वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। अगर आप अपने घर में अभी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो ये दो पैनल आप देखें, इन दो पैनलों में कौन सा आपके घर के लिए बेहतर रहेगा मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन करके। सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं इसकी एफिशिएंसी की, जो कि हाइमोसिक्स की 575 वाट की जो पैनल मिल रहा है पाकिस्तान में वो 22.3 है, और जिनको की जो मैक्सिमम आउटपुट पावर जो एफिशिएंसी है वो है 22.26, जो कि तकरीबन सेम है। फिर इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है सोलर पैनल में वो होती है इसकी डिग्रेडेशन, के हर साल में कितना आउटपुट पावर कम होता जाएगा। तो जो हमारा लॉन्जी है, लॉन्जी हाइमोसिक्स, इसकी जो फर्स्ट एयर की डिग्रेडेशन है वो 1.5% तक हो सकती है, जबकि लॉन्जी में जो पावर डिग्रेडेशन है वो जो है 0.4% है, मतलब लीनियर है इसकी जो पावर डिग्रेशन है 0.4% से, पहले साल में 0.4% होगी और हर साल जो है ना वो 0.4% ही होगी, जबकि लॉन्जी में ये पहले साल में बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। तो इसमें हमारा जो जिनको है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर की। ये जो आप एसटीसी देख रहे हैं ये लैब कंडीशन में होता है 575 वाट, मतलब ये लैब कंडीशन में इस तरह आउटपुट पावर देता है, इतना आउटपुट पावर देता है। और जो NOCT है ये हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें अगर हमारा जो फ्रेम है वो अगर बेहतर तरीके से बनाया गया हो बिल्कुल देख कर हर चीज़ को, तो 430 वाट तक ये आउटपुट पावर देता है जो हमारा लॉन्जी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिनको की। जिनको जो है वो 432 वाट तक मैक्सिमम आउटपुट पावर देता है, जो कि लॉन्जी से बेहतर है। 2 वाट का फ़र्क है ये, लेकिन अगर हम बात करें मतलब हेड टू हेड कंपैरिजन की तो इसमें जिनको ज़्यादा बेहतर है। ये था हमारा दोनों का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।